अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आप सब अल्लाह से दुआएं खैरियत से होंगे और तंदुरुस्त रहें हमेशा। आज हम बनाने जा रहे हैं भुट्टे के पकोड़े। इसकी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं, चलिए चलते हैं। ये हमने भुट्टे ले लिए हैं, अब इनको हम ग्रेट कर लेंगे। ये ग्रेटर की मदद से, आप चाहे तो मोटे, आप चाहे तो बारीक, इस तरीके से आप इसको ग्रेट कर लीजिए। इस तरीके से आप ग्रेट कर लीजिए। आप चाहे तो अमेरिकन ले सकते हैं, आप चाहे तो देसी भुट्टे भी ले सकते हैं, लेकिन अमेरिकन भुट्टे के ज्यादा स्वाद के पकोड़े बनते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमको घिसना, ग्रेट कर देंगे इसे। बारिश के मौसम में तो जब आते हैं तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये देखिए, हमने पूरा इसको घिस लिया है। हमने इसको सब तरफ से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। हमने दो भुट्टे लिए हैं, आप चाहे तो आपके हिसाब से ज्यादा भी ले सकते हैं। बारिश स्पेशल भुट्टे के पकोड़े, चाय के साथ, कॉफी के साथ, जब शाम की छोटी छोटी भूख होती है ना, तो आप ये ट्राई जरूर करिए। हमारे यहाँ अक्सर बनते रहते हैं। ये देखिए, अब इसको एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन, 100 ग्राम के लगभग होगा ये, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच पीसी लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, और इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया पत्ता। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च कटी हुई। अब हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी लिप्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई प्याज, चॉप बारीक चॉप करी हुई प्याज डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक नींबू निचोड़ देंगे। अब चाहे तो इसके अंदर अमचूर भी डाल सकते हैं। ये हमने एक नींबू इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हम इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्स करेंगे। ये हमारा घोल रेडी है। इंशाल्लाह आपको अब किसे भुट्टे की कचौरी का भी हम रेसिपी शेयर करेंगे। ये हमारा घोल तैयार है, हमने तेल गरम रख दिया था। चलो चलते हैं फ्राई करने।
ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम पकौड़ा डालेंगे। थोड़ा हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे, फिर हम एक सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम इसको लो करके कुरकुरे तलेंगे। अभी हमारे भजिए फ्राई हो चुके हैं, अब हम तैयार है हमारे भुट्टे के पकोड़े। इसको छोटी छोटी भूख के साथ 4 बजे चाय के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।